नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। संपत सिंह होंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल, कुलदीप बिश्नोई से लेंगे बदला। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा के पूर्व गृह और वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने रविवार को अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग हिसार के आजाद नगर के कम्युनिटी सेंटर में तय की गई है। प्रोफेसर संपत सिंह का कांग्रेस में जाना तय है, क्योंकि जिस दिन कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए थे उसी शाम को पूर्व मंत्री ने कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। रविवार को पार्टी हाईकमान उनके शामिल होने की डेट की घोषणा करेगा और इसी हफ्ते में कांग्रेस पार्टी उन्हें शामिल करेगी। इसलिए संपत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। संपत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार को उपचुनाव में चुनौती देने के लिए संपत सिंह या उनका बेटे को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है। पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप ने मेरी टिकट कटवाई थी, इसलिए मैं भाजपा में चला गया। भाजपा में सीएम और पीएम के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे, लेकिन मैं किसान आंदोलन के कारण भाजपा से किनारा कर गया। संपत सिंह ने कहा कि 2009 में इनेलो पार्टी छोड़ दी, मुझे हिसार लोकसभा में मई 2009 के हिसार लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उतारा। मुकाबला भजनलाल से था, भजनलाल से मैं 6000 वोटों से हारा। संपत सिंह ने कहा कि पार्टी ही हरकत की वजह से मैंने इनेलो छोड़ी थी। अक्टूबर 2009 में नलवा विधानसभा चुनाव से चौधरी भजनलाल की पत्नी जसमा देवी को हराया। संपत सिंह ने कहा कि अभी कांग्रेस हाईकमान से आदमपुर उपचुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। मेरा बेटा या मैं चुनाव लड़ू, अभी ये चर्चाएं ही है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।